इंदौर में आबकारी विभाग के अधिकारियों का रौब दिखाना महंगा पड़ गया। होटल मैरियट में पार्टी कर राशि का भुगतान नहीं करने और रौब दिखाने को लेकर आबकारी विभाग के अधिकारियों के खिलाफ होटल संचालक ने शिकायत की थी, जिस पर कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए दबंगई करने वाले आबकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। पूरा मामला इंदौर के मैरियट होटल का है। दरअसल आबकारी विभाग के एक अफसर ने पिछले शनिवार 5-स्टार होटल बुक कर 50 लोगों को पार्टी दी थी, जिसमें 2 लाख रुपए का बिल बन गया। होटल मैनेजमेंट ने रुपए मांगे तो पहले बिल छोड़ने का दबाव बनाया, नहीं माने तो अधिकारी का बेटा चाकू लेकर पहुंच गया और स्टाफ के साथ बदसलूकी की। जांच के बाद प्रशासन ने 2 अफसरों के सर्कल बदल दिए हैं। साथ ही आबकारी आयुक्त को पत्र लिखकर उनका तबादला करने की सिफारिश की है। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि होटल में पार्टी मनाने के बाद बिल चुकाने की बात पर होटल कर्मचारियों से मारपीट की गई और चाकू भी दिखाया गया। होटल मैनेजमेंट की ओर से सीसीटीवी वीडियो फुटेज भी कलेक्टर को भेजे गए, जिसमें घटना साफ दिखाई दे रही है। होटल मैरियट के प्रबंधक ने शिकायत की थी कि शनिवार 4 जून को आबकारी विभाग के फ्लाइंग स्क्वाड ऑफिसर धर्मेंद्र सिंह भदौरिया ने 50 लोगों के रात्रि भोज के लिए होटल में बुकिंग कराई थी। इसके लिए मालवा मिल ए सर्कल के एडीओ संतोष सिंह कुशवाहा ने फोन किया था। पार्टी के बाद होटल प्रबंधन ने 2 लाख का बिल चुकाने को कहा, लेकिन आयोजक बिना बिल चुकाए ही चले गए। वहीं दूसरे दिन भी होटल मैनेजमेंट को फोन पर धमकाया गया। इसमें मुख्यतः तो पद का दुरुपयोग रहता है, और जिस प्रकार का व्यवहार किया गया उसमें सबसे आपत्तिजनक था कि जब बिल दिया उन्होंने, एक तो शुरुआत में बिल दिया नहीं, जो भी होटल वालों ने उनको फ़ोन किया बुलाया होगा, बिल देने जब आए तो उसमें जो झूमा झटकी मारपीट टाइप की गई इनके लोगों के द्वारा, जो यहाँ के संभागी जो फ्लाइंग स्क्वाड के भदौरिया है कोई, उनका उनके यहाँ की पार्टी बतलाई जा रही थी, उन्हीं के यहाँ के लोग थे जिन्होंने मारपीट की। और ये भी आरोप है कि चाकू भी दिखाया गया, और वीडियो रिकॉर्डिंग जो मुझे दिखाई गई जो हम लोग पास में जांच के दौरान आई हैं उसमें भी इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं वीडियो में भी। और दूसरा, हमारे जो जिला स्तर पर कुशवाहा करके सहायक जिला, उनकी गलती ये थी कि उन्होंने बुकिंग कराई थी, बुकिंग के बाद उनको एक मर्यादा रहती है हर चीज़ की, उस मर्यादा के तहत अगर बुकिंग उनके द्वारा दी गई थी और वो पैसा नहीं दे रहे थे ये लोग, तो उसको लेकर के उनको सुलह करा के चीज़ों को सेटल करना चाहिए था। उसके बजाय फिर अगले दिन जब ये मारपीट हुई तो अगले दिन उनके साथ धमकाया जा रहा था कि अगर आपने FIR कराई या कुछ शिकायत की तो हम आपको वो कर देंगे। तो सरकारी अधिकारियों का दायित्व थोड़ी नहीं रहता है, सरकारी अधिकारियों का दायित्व है कि जो आज इकोनॉमिक सिटी है, ये 5-स्टार होटल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए। जितने भी बड़े इन्वेस्टमेंट्स इंदौर में आ रहे हैं, IT कंपनीज आ रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लोग आ रहे हैं, स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं यहाँ पर, या ट्रेडिंग में या रेडीमेड गारमेंट में या अन्य क्षेत्रों में जो बड़े ग्रुप्स यहाँ प्रेजेंस बना रहे हैं इंदौर में, अल्टीमेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ भी उसमें रहती है, जिसमें एग्जीक्यूटिव्स यहाँ अट्रैक्ट होते हैं आने के लिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ में ये सब चीज़ें रहती हैं, 5-स्टार होटल्स भी रहते हैं, अच्छी एजुकेशन भी रहती है, अच्छा फूड रहता है, अच्छा हॉस्पिटल्स रहते हैं, ये सब चीज़ें पार्ट रहता है उसका। और एक अगर होटल में ऐसी परिस्थिति निर्मित हो कि होटल का स्टाफ निराश हो, वहाँ का मैनेजमेंट दुखी हो, वहाँ के मैनेजमेंट को ये फील हो कि इंदौर में उन्होंने क्यों ये होटल खोल दिया, इसको शिफ्ट करने की बात करने लग जाए, तो ये गलत है। ये ऐसे में कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई की गई है और इनके ट्रांसफ़र के लिए भी लिखा गया है। इनकी डी के लिए आज माननीय संभागायुक्त महोदय के यहाँ मेरी बात हो गई थी कमिश्नर साहब से, और वहाँ भी हम भेज रहे हैं डी के लिए, और डी में भी इंश्योर करेंगे हम लोग की जो झगड़ा हुआ है, जो हरकतें की गई हैं, उनके सबके एविडेंस डी अधिकारी को प्रस्तुत हों। इसलिए उसमें अधिकारी ऐसे डाले हैं जिनको पूरा चीज़ें मालूम है उसमें, और गवर्नमेंट को भी बोला गया है। डिप्टी कमिश्नर जो एक्साइज के संजय तिवारी जी हैं, उनसे भी मेरी बात हुई कि इनको फ्लाइंग स्क्वाड से तत्काल हटाना चाहिए। ये जिस प्रकार के ऑफिसर्स हैं, ये पद का हर तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। इनके बारे में जो मुझे फीडबैक मिला है दोनों ऑफिसर्स के बारे में, इस घटना के बाद जब हमने कार्रवाई की, कलेक्टर मनीष सिंह ये बात भी साफ कर दिए हैं कि अपने पद का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा और उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से देवेंद्र मालवीय की रिपोर्ट।